तो ये तीन चैनल आपके सामने हैं। अब इनमें से जो दो चैनल हैं ये तो दोनों मगरबी ममालिक में हैं, और मगरबी ममालिक की जो जमहूरी ट्रेडिशन हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। अगर उनकी आज़ादी राय के इजहार को देखा जाए, ख़ास तौर पे अपने मुल्कों के हवाले से, तो वो गैर मामूली तौर पर मजबूत हैं। खुद हम पाकिस्तान में बैठकर, चाहे हम उनसे कितने ही शाकी क्यों ना हों, हम उनको कोट भी करते हैं और चाहते हैं कि हमारे व्यूज जो हैं उनके ऊपर पेश किया जाए, और जब वो पेश किए जाते हैं तो हम उन्हें मुस्तनद खबर और मुस्तनद उसके तौर पर पेश करते हैं। उनके जायजे और तबसरों को भी बड़ी अहमियत देते हैं, चाहे हम उनके ऊपर तनकीद भी करते रहते हैं, जो भी कुछ कहते रहें। लेकिन यह है कि ये दोनों जो चैनल हैं, और CNN का की भी यही सूरत है जैसे कि हमने बताया, बहुत ही वसीह है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अल जजीरा जो कि खुद मुस्लिम ममालिक में कायम है, और ख़ास तौर पे ये जो अरब ममालिक का इलाका है जिसमें मुस्लिम ममालिक की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वो इतनी शदीद क्रिटिसिज्म का शिकार रहा, और जो मेन क्रिटिसिज्म है वो खुद स्टेट्स की तरफ से आती रही है, और वो ये कहते रहे हैं कि ये जो खबरें पेश करता है, जिसे वो अल जजीरा इंडिपेंडेंट करता था, ये बायस है, इसे बंद किया जाए, ये क्रिटिसिज्म बंद किया जाए, इसमें उनकी कौमी सलामती को खतरा पेश हो रहा है, और दूसरी बहुत सारी बातें जो कि अमूमन वो मुल्क और वो माशरे करते हैं जो कि शायद आज़ादी इजहार राय को वो फोकियत और वो अहमियत ना देते हों। अब अगर खुद पाकिस्तान में ही देख लिया जाए तो पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो एक स्टेट ओन टेलीविजन है। ये एक बहुत मोतबर इदारा था, इसकी बड़ी शानदार इसका माजी है, और एक ज़माने में पूरे मुल्क में इसका वो गुलगुला था, तोती बोलता था इसका। लेकिन आजकल ये शदीद माली बहरान का शिकार है, मिसमैनेजमेंट का शिकार है, और खुद जो हुकूमती एहलकार आला तरीन यानी सरबराह से लेके वजीरों तक की ख्वाहिश ये है कि वो उन निजी चैनल्स के ऊपर आना ज्यादा पसंद करती है बनिस्बत पाकिस्तान टेलीविजन के, जो कि 125 की तादाद में है, और जिनमें से अक्सर जो हैं वो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के चैनल हैं। और खुद शायद हुकूमत ने हालांकि पॉलिसी बनाई है, खुद ही वो इस पे कदम लगाती है, खुद ही वो इसकी डायरेक्शन सेट करती है, लेकिन वो खुद उसके जो अहलकार हैं वो निजी चैनल्स के ऊपर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे शदीद क्रिटिसिज्म का भी सामना रहा, कहा गया कि ये स्टेट का जो नुकता नज़र वो पेश करता है और दूसरे जो नुकता नज़र हैं उनको पेश नहीं करता, और बैनुल अक्वामी तौर पर भी जो इसकी खबरें हैं उनको कोई वो मुस्तनद होना हासिल नहीं है जो कि दूसरे तीन नेटवर्क्स का हमने जिक्र किया। हालांकि अगर देखा जाए तो खुद अंग्रेजी जुबान में पीटीवी वर्ल्ड के नाम से एक चैनल पीटीवी ने लॉन्च किया था, लेकिन अब शायद ही किसी को मालूम हो कि इस किस्म का कोई चैनल जो है वो एग्जिस्ट भी करता है। तो इस सब पस मंजर को देखते हुए, खास तौर पे पीटीवी की जो इस वक्त की मौजूदा वो मिसमैनेजमेंट है, और खुद वो जिस मुश्किलात से गुजर रहा है जिसके मुताबिक उसके मुलाजमीन, उसके सबका माहरीन और खुद हुकूमती माहरीन जो हैं वो कोशिशें करते करते थक चुके हैं कि वो उसे इसे इस बहरान से निकालें। तो और फिर एक और मिसाल जो है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की भी है, जो खुद भी इसी किस्म के बहरान से गुजर रहा है। तो ये इस किस्म के दो मॉडल्स को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो फिर ये हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि क्या वो कोई इंग्लिश जुबान में चैनल लॉन्च करके और उसको सपोर्ट करके कामयाबी हासिल कर सकता है। दूसरी बात यह है कि खुद तुर्की और मलेशिया वो हमारे बिरादर मुल्क हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, खास तौर पे हम उनके बहुत मशहूर हैं जिस तरह का उन्होंने गैर मामूली किस्म का सपोर्ट हमारे को अक़वामे मुत्तहिदा में कश्मीर के मामले में दिया, वो सब काबिले तहसीन है, हम उनके बहुत ज़्यादा मशहूर और शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ कोई एक मसला पेश करने का नहीं है, ये पूरी मुस्लिम दुनिया
और हमारे प्यारे मजहब इस्लाम के इमेज से मुतालिक है और जिस किस्म का इमेज दुनिया में बना हुआ है उसको काउंटर करने की बात है। ये किसी एक मुल्क का की ज़्यादादारी नहीं है, ये किसी या दो या तीन मुल्कों का मामला भी नहीं है। ये ठीक है कि ये कोशिश बहुत अच्छी और सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर जब इस किस्म का कोई चैनल लॉन्च होगा तो जो सबसे पहला मामला इसके सामने आएगा वो इसकी क्रेडिबिलिटी का है। क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस आप लॉन्च करें, कोई भी मीडिया चैनल लॉन्च करें, कोई भी न्यूज़पेपर लॉन्च करें, कोई भी रिसाला लॉन्च करें, तो उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी इंटेग्रिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी होती है कि लोगों को उसके ऊपर एतमाद होना चाहिए, एतबार होना चाहिए। सबसे पहले तो वो मुल्कों में एतबार और एतमाद होना चाहिए, फिर अगर वो मुस्लिम दुनिया के इतने अहम मसले को पेश करने के लिए जा रहा है और एक मसले को काउंटर करने के लिए जा रहा है दुनिया भर में, तो उसकी क्रेडिबिलिटी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के अंदर बड़ी गैर मामूली होनी चाहिए। ऐसी क्रेडिबिलिटी कि उसकी बात सुनकर सारी दुनिया में लोगों को ये यकीन हो जाए कि जो ये बात कह रहे हैं वो सही हैं और जिस जुबान में वो बात कर रहे हैं वो भी ऐसी हो। अब ये भी देखना होगा कि क्या वाकई में अंग्रेजी जुबान की उतनी ही अहमियत है जितनी कि हम समझते हैं। ये ठीक है कि ये तीनों चैनल जो ये मौजूद हैं, लेकिन अगर सिर्फ यूरोप में ही देख लिया जाए तो 28 मुल्क हैं, उन 28 मुल्कों में अंग्रेजी सिर्फ एक मुल्क को यानी बर्तानिया में बोली जाती है, बाकी तमाम मुल्क जो हैं वो अपनी ज़ुबानों पर और अपनी उन पर फ़ख्र करते हैं। इसी तरह बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो कहाँ तक इसको अहमियत देते हैं, और हालांकि उन्हें समझ में आती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये खुद मलेशिया की क्या सूरत हाल है, खुद इंडोनेशिया की क्या सूरत हाल है जो सबसे बड़ा मुल्क है, फिर तुर्की की क्या सूरत है, क्या वाकई में वहाँ पर भी अंग्रेज़ी को उसी तरह खैर मकदम किया जाता है, तो और फिर इस्लामी दुनिया के अरब ममालिक ईरान वगैरह इन सब को अगर इनकी अगर राय मालूम कर ली जाए कि ये चैनल जो है ये अगर इसी एक जुबान में लॉन्च किया जाए और बिलाशुबा ये एक बैनुल अक़वामी जुबान है, तो ये वो मकासद पूरे करने में कामयाब होगा जिसके लिए इसके सोचने वाले, इसके तसव्वुर देने वाले और इसको अमली जामा पहनाने वाले जो हैं वो सोच रहे हैं। ये यकीनन ना सिर्फ हमारे गौर करने की बात है, बाकी दोनों मुल्कों के गौर करने की बात है, बल्कि हम ये समझते हैं कि मुस्लिम दुनिया के लिए भी गौर का मुकाम है। हमें एक कंसेंसस और ड्रॉ कर इस किस्म का कोई कदम उठाना चाहिए ताकि वो जो है वो यकीनन पॉपुलर हो, पहले मुस्लिम दुनिया में और फिर सारी दुनिया के अंदर अपना असर रखे।